बागी नेताओं को उद्धव ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के कुछ बागियों ने भी नामांकन दाखिल किया, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे बहुत ही ज़्यादा नाराज है और बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है, साफ तौर पर सभी बागी अपना नाम वापस ले ले, वरना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये है उद्धव की धमकी। बागी नेताओं को नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है और शिवसेना एनसीपी के कई नेता ने बागी होकर नामांकन किया, जिसे लेकर एमवीए ने अल्टीमेटम जारी किया। एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के कई विधायकों ने नाम वापस ले लिया है, जिसको लेकर आज उद्धव ठाकरे संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात भी की थी। बता दें आप सबको, इसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एकता की बात कही, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने की नीति को दोहराया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बागियों के नामांकन वापस लेने के बयान पर कहा कि एक घंटा बचा है, अगर हमारे कहने के बाद भी कोई नामांकन वापस नहीं लेता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्षेत्रीय कामगार पार्टी से हमारी बातचीत हुई है, अलीबाग पेन पनवेल से नामांकन पीछे ले रहे हैं वो, और 3 बजे तक सब्र रखें, ये भी कहा गया है। शरद पवार ने भी सख्त बात कही। शरद पवार ने कहा, एमवीए में फ्रेंडली फाइट का कोई सवाल नहीं उठता, बागियों को नामांकन वापस लेना ही होगा। शरद के घर पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों ही बातचीत करने पहुंचे हैं। शरद की इस तरह से उद्धव की धमकियों में उनके साथ खड़े हैं, ये इससे पूरी तरह से साबित होता नजर आ रहा है। इसके अलावा आप सबको बता दें कि महायुति में भी नामांकन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय नवाब मलिक का नामांकन है, जिसे लेकर अभी तक फैसले नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बता दें, इस बार के चुनाव में महायुति और एमबीए के बीच बहुत ही बड़ी भिड़ंत होगी। आसार सर्वे के अनुसार उद्धव ठाकरे को सबसे ज़्यादा मत मिल रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद किस तरह अपनी बचाएंगे, उनके लिए ये बड़ी चुनौती होगी।